तो हमने क्या देखा था, जो कंपनी जितने पैसे मांगेगी उसे कॉल्ड अप, और जितना शेयर होल्डर देगा पेड अप। अगर कंपनी ने कम पैसे मांगे तो जितने, पेमेंट जैसे कंपनी ने बोला कि भैया ये 2 रुपए भी दे दो, 3 रुपए भी दे दो, 2 रुपए भी दे दो एक, और कंपनी 2 रुपए बोलती है अभी हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं अनकॉल्ड, या फिर इसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। कॉल्ड अप क्या होता है, यहाँ पे देखा जाए कंपनी ने मांगा सारा लेकिन शेयर होल्डर ने एक नहीं दिया, तो यहाँ जब शेयर होल्डर नहीं देगा वो वहाँ क्या बनेगा, कॉल सेन, और कॉल सेन एरियर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। लेकिन जहां पे कंपनी ने मांगा और शेयर होल्डर ने ज्यादा पैसे दे दिए उसको बोलेंगे कॉल सेन एडवांस, और वहां पे है 12%। अब यहाँ पे अगर हमने मांगा और शेयर होल्डर ने नहीं दिया, तो जितने पैसे शेयर होल्डर ने दिए हैं उसको अगर हम अपने पास रख लेते हैं तो उसे बोलता है शेयर। तो लास्ट क्लास में बस यहीं तक हमने किया था, आज अगली क्लास से हम आगे बढ़ेंगे और आगे लेके चलेंगे अगली क्लास से, ठीक है? अगली क्लास से हम आगे चलेंगे आज, चलिए। अब हम कुछ बेसिक्स जर्नल एंट्री पहले देख लें, फिर सीधा बुक के क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करेंगे हम। मान लेते हैं कि हमारा ना शेयर 10 रुपए का है, ठीक है? पहले फर्स्टली मैं आपको जर्नल एंट्री करना सिखा दूं, और ये ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को मे भी आता हो और बहुत सारे बच्चों को मे भी पॉसिबल है कि ना भी आता हो। तो देख लीजिए बेसिक जर्नल एंट्री। ये जर्नल एंट्री करने से ऐसा नहीं कि आपको चैप्टर आ जाएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ये जर्नल एंट्री करना ही करना है, लेकिन यहाँ पे लॉजिक भी लगता है कि कितना हमें लेना चाहिए कितना नहीं। मान लेते हैं 2 रुपए, 1 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपए, तो कितने हो गए, 2 1 3 और 3 6 1 7, 2 रुपए और 1 रुपए, ठीक है? ये हमारा पूरा का पूरा पहला क्वेश्चन, जब भी मैं करता हूँ हमेशा फॉर्मेट में करूंगा, इसके बाद के क्वेश्चन बिना फॉर्मेट के करूंगा, लेकिन आपको एग्जाम में जो मैं आज फॉर्मेट बता रहा हूँ इसी फॉर्मेट में सारे क्वेश्चंस विद मी यही लिख के आना है। जर्नल एंट्री का जो बेसिक फॉर्मेट है वही फॉर्मेट हमारा बनेगा, ठीक? मैं 7 सवा 7 बजे थोड़ा सा एक 5 मिनट के लिए क्लास को डिस्कनेक्ट भी करूंगा, पहले मैं बता देता हूँ, क्योंकि मुझे एक क्लास के अंदर इंटीमेट करना है कि उस क्लास को आज थोड़ा हम, या फिर मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा 5 मिनट। एक यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, LF का कॉलम आप बनाइए अदरवाइज नहीं बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कहूंगा बना के चलिए। पर्टिकुलर यहाँ सबसे पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, अब जिस कंपनी का नाम भी रखा है उसका नाम लिख लीजिए, जैसे XYZ लिमिटेड, ठीक है? नीचे जर्नल लिख लेंगे, आगे प्ले को हम क्या नाम देंगे सर, फर्स्ट टाइम का जो नाम है इसका एक नाम पड़ता है, दैट इज शेयर एप्लीकेशन। इसके बाद इसको क्या नाम देंगे, शेयर अलॉटमेंट। इसके बाद इसका क्या नाम देंगे, फर्स्ट कॉल। इसके बाद इसका क्या नाम देंगे, सेकंड कॉल। इसके बाद इसका क्या नाम देंगे, थर्ड कॉल। इसके बाद इसका क्या नाम देंगे, फाइनल कॉल, या फिर इसको फोर्थ कॉल भी बोल सकते हो। अब जनरल एंट्री देखो कैसे करेंगे, पहली एंट्री करेंगे हम, पहले यहाँ पे दो सिचुएशन होता है। देखो सबसे पहले नंबर वन पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पैसा, क्योंकि आप क्या करोगे शेयर्स को अप्लाई करोगे। जब आप अप्लाई करते हो ना तो नॉर्मली आप मान के चलो, जैसे मान लो ये कि ये फॉर्म है, तो आप फॉर्म को फिल करके कंपनी को देते हो। कैसे देते हो फॉर्म को फिल करके, उसमें आपके सारी पर्सनल डिटेल जैसे नाम एड्रेस सब कुछ, आपका पैन नंबर आधार नंबर, ये सारी डिटेल फिल करके दोगे, उसके बाद कंपनी के पास ही आएगा। जब आपने भर दिया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको शेयर्स मिल ही जाएंगे, हो सकता है शेयर कंपनी आपको ना दे, बहुत बार ऐसा पॉसिबल होता है। आपने फिल करके दिया, और इसके साथ अगर आप ऑनलाइन पे भरते हैं तो आप अपने फोन के UPI या फिर नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से अपना पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप चेक के थ्रू भरते हैं तो इसमें अपना चेक आपको लगा के देना पड़ेगा और आप कंपनी को दे दोगे। तो कंपनी के पास जैसे ही आएगा वो कंपनी एंट्री क्या करेगा कि मेरे बैंक में पैसा आ गया, मेरे बैंक में, तो वो करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया। किस चीज का पैसा आया सर, शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया।
बहुत सारे लोग इसको इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखते हैं, आप शेयर एप्लीकेशन लिख दीजिए चलेगा। मान लेते हैं पहला 2 रुपए है, एक ही शेयर मान के चलेंगे तो 2 रुपए आ गए। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे बींग बींग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेगा शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव रिसीव। इसके नीचे आपको इस तरीके से इसको ब्लॉक करना है, ठीक है। अगली एंट्री पे चलेंगे, पैसा पहला हमारा आ गया। जब पैसा आ गया तो अब मेरा दूसरा काम होगा आपको शेयर देना। अब शेयर कितना दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा डिपेंड्स करेगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो मैं आपको पूरे शेयर दूंगा। दूसरी एंट्री इसी को आगे एक्सटेंड करेंगे, लिखेंगे हम शेयर एप्लीकेशन डेबिट कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और 2। आप जब आपको शेयर दिया जाएगा तो वहां पे लिखा जाएगा इक्विटी इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ थोड़ा शॉर्ट फॉर्म ले लिया, आगे तक जा रहा था। अगेन यही 2 रुपए जाएगा सर, कौन से 2 रुपए, यही चलेगा। बींग लिखोगे बींग शेयर शेयर एप्लीकेशन डॉट लगा दिया है, एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर के लिए टीएफ लगा रहा हूं, आप पूरे लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल, ठीक है टू कैपिटल। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब ये जो 2 एंट्री किया है ना, 2 एंट्री यानी हर एक पॉइंट्स के आपको 2 एंट्री करने होंगे। पहला पॉइंट किसका था, शेयर एप्लीकेशन। आपने क्या काम किया, पहले एप्लीकेशन का पैसा मंगाया, क्या बोलना बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद क्या करा, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल भी लिख देंगे तो चलेगा। अब इसके बाद दूसरा नंबर क्या है, अलॉटमेंट। अब दूसरे नंबर पे क्या करोगे, हर बार जो तीसरे नंबर पे पैसे आप मांगोगे, पैसे मांगना है, ठीक है ना, कि भाई अगला पैसा दे दो, पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे मांगोगे तो उसको बोलते हैं ड्यू करना। तो एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अब मैं आगे से इक्विटी शेयर कैपिटल को ना इस तरीके से भी लिख दूंगा कई बार, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो आप समझ जाइएगा कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। तो अब 1 रुपए है तो अब 1 रुपए आएगा, हर किसी के 2 एंट्री होंगे। इसका बींग लिखेंगे बींग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, ठीक है, फिर अंडरलाइन कर। अगले पॉइंट पे चलेंगे, अब इसी का दूसरा पार्ट आ जाएगा। एंट्री नंबर आप यहाँ 1, 2, 3 लिखना चाहते हैं, वैसे तो डेट का कॉलम आता है, डेट यूज नहीं होगा, तो आप इसको 1, 2, 3 में लिख सकते हैं ऐसे। इसके बाद आएगा हमारा बैंक में पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट, किस चीज का पैसा आएगा, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट का पैसा है, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट का। बींग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट, अब यहाँ पे रिसीव्ड लिख दो क्या, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव। चलिए ये आ गया हमारा 4th एंट्री, यानी सर इसके लिए आपने कितनी एंट्री करी, 2, और इसके लिए भी कितनी करी, 2। और कितना है, पहली जो एंट्री है पहले पैसा मांगा फिर शेयर कैपिटल दिया, उसके बाद पहले हम शेयर कैपिटल देंगे फिर पैसा आएगा, ठीक है। अब आगे हमारा फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या करेंगे, फिर से पहले मांगेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और किस चीज का पैसा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब सीक्वेंस में चलेगा सीधा, कितने रुपए हैं भैया फर्स्ट कॉल के, 3 रुपए, तो 3 रुपए यहाँ और 3 रुपए यहाँ। बींग अब ड्यू हुआ है पैसा, बींग शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू, ड्यू का मतलब अभी पैसे मिले नहीं है,
इसकी अगली एंट्री में हमें क्या होगा, पैसे मिल जाएगा। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, इसकी अगली एंट्री में क्या होगा, पैसे मिल जाएंगे, यानी ये हो गया फिफ्थ एंट्री। सिक्स एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर और फर्स्ट कॉल अकाउंट कितने रुपए, 3 रुपए। इसका बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट। बिल्कुल बेसिक एंट्री बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं ना कि अदर स्ट्रीम के होते हैं तो उनको पता चल जाए। अमाउंट रिसीव, ये एंट्री हो गई यहाँ तक, ठीक है। इसके आगे की कहानी मैं थोड़ा इधर लेके चलूंगा ताकि आपको विजुलाइज रहे। इसका तो कोई काम नहीं है इसलिए हटा देते हैं इसको। इसके आगे कॉलम आगे बना लेते हैं। फर्स्ट कॉल के बाद क्या आएगा साहब, सेकंड कॉल, फिर थर्ड कॉल और फिर फाइनल कॉल, है ना। तो जैसे जैसे जगह मिल रहा है, इसके आगे टू भी कंटिन्यू है, 1 2। वैसे इसकी जगह बहुत छोटी चाहिए थी, ठीक है, कंटिन्यू इसके आगे है। फिर अगली एंट्री हमारा आएगा, सर फर्स्ट कॉल भी कर लिया, इसके भी दो एंट्री आएगा। क्या दो एंट्री करेंगे इसके, शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं मैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, बीइंग शेयर सेकंड कॉल अमाउंट। मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, आपको नहीं लेके जाना क्योंकि यहाँ पे अमाउंट नहीं है, इसलिए मैं इसको इधर लेके गया हूँ, मेरे पे स्पेस नहीं है। आप एग्जाम में प्रॉपर अंदर ही लिखना है, इस कॉलम के अंदर ही, ठीक है। कितने रुपए का भैया सेकंड कॉल, 1 रुपए और 1 रुपए, फिर बैंक में पैसा आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल being share second call amount received, ठीक है। अब second के बाद कौन सा number लगेगा जी, ये आ जाएगा 1 रुपए, 1 रुपए। इसके बाद क्या होगा बताओ, third call, third के बाद fourth, third के लिए क्या करोगे सर, थर्ड के लिए भी यही करेंगे, शेयर थर्ड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल जी। इसका बीइंग क्या होगा, बीइंग शेयर थर्ड कॉल अमाउंट ड्यू, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा बैंक में पेमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर थर्ड कॉल, ठीक है। थोड़ा फास्ट में करवा रहा हूं इसको, बीइंग शेयर थर्ड कॉल अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। अमाउंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 रुपए, यहाँ लिखना भूल गए, 2 रुपए 2 रुपए। तो आप ध्यान से देखिए हो क्या रहा है, पहले बैंक शेयर एप्लीकेशन शेयर, उसके बाद की एंट्री आप देखोगे सब एक ही जैसा है, अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट इक्विटी शेयर बैंक अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल है सेकंड कॉल इक्विटी शेयर बैंक टू सेकंड कॉल, थर्ड कॉल तो थर्ड कॉल इक्विटी शेयर बैंक टू थर्ड कॉल, देख रहे हो आप जैसे हम चल रहा है। फाइनल कॉल में या तो फाइनल कॉल बोल लो या फोर्थ कॉल बोल लो, तो मैं फाइनल या फोर्थ कॉल का एंट्री इस साइड में कर देता हूँ, ठीक है, दिख जाएगा आपको। तो फाइनल कॉल फॉर्मेट नहीं बना रहा क्योंकि जगह नहीं है, फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बीइंग आपको लिखना है इसका, फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू 1 रुपए और 1 रुपए। और फिर क्या करोगे आप, बैंक टू फाइनल कॉल, ठीक है, ये लिखी होगी। ये बिल्कुल बेसिक एंट्री है जो कि आपको आना ही चाहिए, इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे बताइए, ये एकदम से बेसिक एंट्री है जो कि आपका आना बहुत 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 जरूरी है।
इसके बिना बात नहीं बनेगी। सर आपने एप्लीकेशन अकाउंट ओपन कराया है, एंट्री उसको डेबिट करते हो? हाँ बिल्कुल, वॉइस डबल आ रही है। कितने बच्चों को वॉइस डबल आ रही है बताइए। सर क्लियर है, क्लियर है, यहाँ तक बताइए। देखिए मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ, आज तो क्लास तसल्ली से लेने वाला हूँ मैं, कोई दौड़ा भागी है नहीं, तो सिर्फ बेसिक बेसिक एंट्री में बता दीजिए। आप किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो बताइए मुझे यहाँ तक, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बता दीजिए यहाँ तक किसी स्टूडेंट को डाउट। क्लियर है सर, क्लियर, डॉली ठाकुर क्लियर है, नो डाउट सर। अब आपकी किताब का एक क्वेश्चन करें, देख लेते हैं आपकी किताब में कौन सा क्वेश्चन है। हाँ वही रहो, एक बुक का क्वेश्चन करें। चलिए सर, बुक मेरे पास देखो अभी नहीं है, बुक के लिए मैंने आप सभी से संडे तक का टाइम मांगा है कि संडे तक का टाइम दीजिए, तो फिर बुक का मैं फाइनल बता दूंगा कवर पेज क्या है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फिर भी आपके बुक का ही क्वेश्चन है ये, क्योंकि बेसिक जिस जिस चीज में इसमें चेंजेस जिस चैप्टर में आया है वो नहीं कर रहे हम, ये तो हर बार सेम ही रहता है। वर्क क्वेश्चन नंबर वन, चलिए आगे। ये रहा आपके सामने एक बहुत सिंपल सा, जो हमने किया है ना वो मेरा एग्जांपल था, और यहाँ पे ये सबसे पहले इस क्वेश्चन का मैं आपको समरी बना देता हूँ, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन में, मोनिका लिमिटेड वॉज फॉर्म विद अ ऑथराइज कैपिटल, कितने का ऑथराइज कैपिटल सर, यानी सर यहाँ पे एसी लिख देता हूँ ऑथराइज कैपिटल को, ऑथराइज कैपिटल दे रखा है दैट इज। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, अगर रुपीस का सिंबल हो जैसे ये वाला सिंबल हो ना तो फिर वो आपका रुपीस में ऑथराइज कैपिटल है, फिर आपको नंबर में पहले कन्वर्ट करना हो, नंबर में दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है ना। अभी मैं एग्जांपल जैसे जैसे आता जाएगा बताता जाऊंगा। जैसे रुपीस 100 है, ठीक है, 100 रुपए का एक है, यहाँ रुपीज का नहीं लगा, एक बार चेक, मेरे पास पैसा तो बुक भी नहीं है, यहाँ तक मुझे लगता है यहाँ रुपीज होगा, चलो कोई बात नहीं, मैं रुपीज का सिंबल लगा देता हूँ यहाँ, नहीं नहीं लगाते बताओ,
रुपीज का सिंबल यहाँ पे नहीं है, नंबरिंग में रहेगा। 100 रुपए का शेयर था इट इशू, जबकि मैंने इसमें से कितने शेयर इशू किए सर? इसमें से सिर्फ मैंने 2 लाख शेयर इशू किए हैं, ठीक है, एट पार किए पेबल एज अंडर। और बोला गया जो 100 रुपए का शेयर है ना, मैंने बोला था 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो शेयर है ना उसके कैसे पेमेंट आई है वो बता रहा है। एक मैं आपके लिए एक चार्ट टाइप का बना दूं ताकि आपको क्वेश्चन में ध्यान बार बार ना लगाना पड़े। 25 रुपए एप्लीकेशन पे है और 35 रुपए आपका किस पे है, अलॉटमेंट पे, और फर्स्ट कॉल पे 20 रुपए और सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल पे 20 रुपए। तो आप इसका एक बार जोड़ जरूर, टोटल जरूर चेक कर ले, 100 के बराबर होना चाहिए। आप देखेंगे 25 और 35, 60 और 20, और आपका 100 रुपए हो गया ये, ठीक है। तो 100 रुपए का एक शेयर है, करेक्ट सर? बुक में नहीं दिया हुआ, रुपीस नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चों के पास बुक है, वो कह रहे हैं सर रुपीस नहीं है, ठीक है, चलिए। तो हम आगे अब देखें, तो अब इसको सिर्फ क्या करना है, ऑल द शेयर सब्सक्राइब अमाउंट ड्यूली रिसीव पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो हमें बस जर्नल एंट्री करके दिखाना है। तो जो मैंने पिछले एग्जाम्पल में किया था सेम वही है, बस यहाँ पे मैं आप ये बताना चाहता हूँ जब नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा तो किस तरीके से टेक केयर करेंगे। अब मैं किसी का भी बींग नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखोगे सर किसी का भी बींग? क्योंकि बींग लिखने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, और जो मैंने पहले क्वेश्चंस में बींग लिख दिया है वही सभी क्वेश्चंस के अंदर बींग होने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखना, कहीं आप सोचो सर इसके अंदर बींग क्या हम एग्जाम में नहीं लिखे तो चलेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको लिखना ही पड़ेगा इसका नरेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अमाउंट डेबिट का और ये हो गया अमाउंट क्रेडिट का। पहला पॉइंट है हमारा, हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। अब अमाउंट को मैं यहां पे दिखाता जाऊंगा आपको सिर्फ, ठीक है, कितने हैं। अब जो है ना सारा का सारा काम जो होगा हमारा इश्यूड कैपिटल से होगा, ऑथराइज कैपिटल का कुछ भी काम नहीं होता। क्वेश्चंस में हमें गिवन जरूर होता है लेकिन इसका कोई रोल ही नहीं होता हमारे सॉल्यूशन डिपार्टमेंट। तो सिर्फ इश्यूड कैपिटल लेंगे, दैट इज हमारा 2 लाख है और 25 रुपए का है, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ सर 2 लाख × 25, तो ये हो गया टोटल 50 लाख। तो यहाँ भी मैं 50 लाख रुपए लिख लेता हूँ ऐसे 50 लाख, क्योंकि फिर बहुत सारे जीरो हो जाएंगे ना। तो इसके बाद मैंने यहाँ बंद कर दिया इसको, ठीक है। बींग क्या होगा, बींग बताओ, बैंक शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव हो जाएगा, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं सर, अगला पॉइंट इसी का अगर हम आ जाए तो शेयर एप्लीकेशन, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, जो नहीं समझ में आए पूछ लेना कमेंट में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब अगेन यही 50 लाख रुपए यहाँ भी शो हो जाएगा, यही 50 लाख यहाँ भी शो हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर इसके बाद अगले पॉइंट में चलते हैं, 35 रुपए है तो अब अलॉटमेंट है, तो एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं, चलो 2 लाख × 35, तो ये हो जाएंगे हमारे 70 लाख, 70 लाख, ये हो जाएंगे हमारे 70 लाख। अब अगेन क्या होगा, बैंक में पैसा आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितना होगा, 70 लाख। बींग भी मैं बोल देता हूं वैसे, शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव, ठीक है। चलिए सर ये आ गया हमारा, इसका दोबारा डिजिट लिखने की जरूरत नहीं है, यही अमाउंट आता है। हालांकि अब हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, किसकी बारी आ गई, इसको फर्स्ट कॉल नाम देखें। तो जैसे हम क्या करेंगे सर, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आपका कितने रुपए था, 20 रुपए, तो 2 लाख शेयर्स और 20 रुपए का शेयर, तो ऐसे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 40 लाख। जिसको समझ में नहीं आया अमाउंट पूछ लीजिएगा आप अभी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, अब फर्स्ट कॉल है तो ऐसे भी लिख सकते हो फर्स्ट कॉल, देखो, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर यहाँ ऐसे FIRST लिखा है तो नीचे भी वही लिखना है, मैंने करके दिखाया है। अगर आप ऐसे अलग अलग लिखोगे तो एग्जामिनर के मूड के ऊपर बात है, वो आंसर आपके काट भी सकता है और नहीं भी। अब लास्ट आ गया फाइनल कॉल,
तो शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहां पे आ जाएगा हमारा अगेन फिर से 2 लाख इंटू में बीसी है फाइनल कॉल पे भी, तो 40 लाख और 40 लाख। अगला आ जाएगा बैंक में पेमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, और यहां भी आ गया 40 लाख और 40 लाख। किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर हम अगले पे चलें जो कि अगला टॉपिक मैं सोच रहा हूँ कॉल्स इन एरियर का उठाने का। अभी इस जो भी दो क्वेश्चंस किए ना, इससे सिर्फ बेसिक बेसिक बातें पता चले कि भैया एंट्री ऐसे होंगी और एंट्री को ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, किसी को इसमें डाउट, इसमें डाउट है किसी को बताइए फटाफट।